वेलकम टू एबीसी कैंपस आर सब्जेक्ट इज कैफ थ्री बिजनेस लॉ चैप्टर नंबर थर्टीन मैनेजमेंट एट्स वीडियो ऑन डायरेक्टर्स ट्रांजेक्शन विद डायरेक्टर्स लोन टू डायरेक्टर्स एंड अदर प्रोहबिशन ऑन डायरेक्टर्स माई कैप स्टडी टेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी एंड एम योर फैसिलिटेटर काशिफ फदेल सो ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं यानी टोटली प्रोहिबिटेड नहीं है लेकिन उनको करने का एक सर्टन प्रोसीजर होगा जो फॉलो करना होगा तो याद रखें प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन में एक फर्क है जहां प्रोहिबिशन होगी इसका मतलब है वो काम बिल्कुल नहीं कर सकते और जहां रिस्ट्रिक्शन होगी उसका मतलब होगा कि वो काम कर सकते हैं लेकिन एक सर्टन प्रोसीजर फॉलो करना होगा सर्टन अप्रूवल्स शायद लेने पड़े और फिर वो काम किया जा सके सो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर ट्रांजेक्शन दो टाइप की हो सकती हैं कैश ट्रांजेक्शन और नॉन कैश ट्रांजेक्शन तो कैश ट्रांजेक्शन्स में जो रिक्वायरमेंट है कि वो कंडक्ट होनी चाहिए ओनली थ्रू बैंकिंग चैनल द कंपनी शैल इंश्योर दैट ऑल कैश ट्रांजेक्शन इट्स डायरेक्टर्स आर कंडक्टेड ओनली थ्रू बैंकिंग चैनल यानी जो भी पेमेंट होगी वो बैंक ट्रांसफर चेक, क्रॉस चेक के थ्रू होगी और कैश में पेमेंट नहीं की जाएंगी तो कैश का यहाँ पर बेसिकली मतलब होगा कि प्रॉपर बैंकिंग के थ्रू कैश को मूव किया जाएगा दूसरा नंबर पे है नॉन कैश ट्रांजेक्शन तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन पे ये रिस्ट्रिक्शन है कि सर्टन अप्रूवल चाहिए होते हैं अनलेस प्रायर अप्रूवल यानी काम होने के बाद अप्रूवल नहीं पहले अप्रूवल लेना है प्रायर अप्रूवल इज अकॉर्डेड बाय रेजोल्यूशन ऑफ जनरल मीटिंग यानी मेम्बर से अप्रूवल लेना होगा एंड इफ द डायरेक्टर और कनेक्टेड पर्सन इज़ अ कनेक्टेड पर्सन में कौन हो सकता है फैमिली मेंबर ऑफ डायरेक्टर हो सकता है उसका कोई पार्टनर हो सकता है इज़ अ डायरेक्टर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी अप्रूवल इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी ऑप्टेंड बाई पासिंग रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग ऑफ द होल्डिंग कंपनी अच्छा अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिस्टर ए एक कंपनी में डायरेक्टर हैं और उसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उन्हें उस कंपनी के जनरल मीटिंग से अप्रूवल लेना होगा और अगर वो उस कंपनी के जिस कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर हैं तो जिस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी जनरल मीटिंग से भी अप्रूवल लेना होगा और होल्डिंग कंपनी की जनरल मीटिंग से भी अप्रूवल लेना होगा अगर ये नहीं लेते सो so अनलेस के बाद ये बात शुरू हो रही है तो नो कंपनी शेल एंटर इन एन अरेंजमेंट बाय विच यानी ये काम कर लेंगे अप्रूवल ले लेंगे तो फिर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते कौन सी ट्रांजेक्शन नंबर वन अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएटेड कंपनी और अ पर्सन पर्सन कनेक्टेड कनेक्टेड विद हिम में वंस अगेन फैमिली मेंबर पार्टनर्स वगैरह आ जाएंगे

डायरेक्टर जब एसेट एक्वायर कर रहा हो फ्रॉम कंपनी फॉर नॉन कैश कंसिडेशन या कंपनी एक्वायर कर रही हो एसेट फ्रॉम डायरेक्टर फॉर नॉन कैश कंसिडेशन दोनों सिचुएशन में ये अप्रूवल चाहिए होंगे और अगर होल्डिंग कंपनी के साथ कनेक्शन है तो फिर उससे भी अप्रूवल चाहिए होगा नोटिस फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन शेल इंक्लूड द पर्टिकुलर ऑफ अरेंजमेंट लाइक प्रॉपर्टी क्या है उसकी डिटेल्स क्या हैं अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ द एसेट्स इन्वॉल्व इन सच अरेंजमेंट ड्यूली कैलकुलेटेड बाई रजिस्टर्ड वैल्यूर तो बाकायदा जो एक रजिस्टर्ड अप्रूव वैलीअर्स होते हैं जैसे ख़ास तौर पर ज़्यादा कामन है पाकिस्तान इंजीनरिंग काउंसिल के जो मेम्बर होते हैं वो वैल्यूशन कर रहे होते हैं सर्टन एसेट्स की तो उनसे वैल्यू लगवाई जाएगी एसेट की और वो भी मैंशन की जाएगी और पर्टिकुलर जो ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे वो रेजोल्यूशन uh, के अंदर शामिल होंगे एक यानी जनरल किस्म का अप्रूवल नहीं लेना कि जी डायरेक्टर के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसका अप्रूवल मीटिंग से ले लिया जाए वैल्यू ऑफ एसेट उसके अंदर डिस्कस होगी एसेट की पूरी नेचर उसके अंदर जो हैं, वो रेजोल्यूशन के अंदर मेंशन होंगे तो ऐसा अप्रूवल होना चाहिए अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है अहमद इज डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ नजीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड किंग लिमिटेड विच इज सब्सिडरी ऑफ एन आई एल सो जो है अहमद दोनों में डायरेक्टर है केल इज़ इन द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ इट्स लैंड इन इंडस्ट्रियल जोन वन सिंस इट वांट्स टू शिफ्ट द प्रोडक्शन प्लांट टू इंडस्ट्रियल जोन टू तो केएल जो है ये वाली कंपनी ये इंडस्ट्रियल जोन वन से अपना जो प्रोडक्शन प्लांट है वो इंडस्ट्रियल जोन टू में शिफ्ट करना चाहती है ओइंग टू द ग्रोइंग डिमांड ऑफ जोन टू द मैनेजमेंट ऑफ केएल हैज बीन फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ऑप्टेन प्लॉट इन डिजायर्ड जोन तो उन्हें जोन टू में जो है ना प्लॉट मिल नहीं पा रहा है कंसीडरिंग द डिफिकल्टीज ऑफ के एल अहमद हैज़ ऑफर टू सेल इस प्लॉट अब अहमद का कोई प्लाट है जी जोन टू के अंदर तो उसने ऑफर किया है कि वो जोन टू का जो प्लॉट है वो अपना दे देगा उन्हें इन कंसीडेशन ऑफ केएल लैंड इन जोन वन यानी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं हो रही ट्रांजेक्शन नॉन कैश हो रही है अकॉर्डिंग टू अहमद द फेयर वैल्यू ऑफ बहुत प्रॉपर्टीज आर अप्रोक्सीमेटली द सेम अब तो अप्रोक्सीमेटली सेम होने से बात नहीं बनती लॉ ने एक प्रोसीजर डिफाइन किया वो फॉलो करना पड़ेगा अंडर द कंपनीज एक्ट टेट द कंडीशन विच मस्ट बी मैट बिफोर सच ट्रांजेक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड अंडर द अरेंजमेंट प्रपोज बाय अहमद तो जो ट्रांज़ेक्शन होनी है वो अहमद और KL के एल के दरमियान होनी है तो इसका जो तरीक़ेकार होगा वो ये होगा कि के एल से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा और क्योंकि जो अहमद है वो होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर भी है तो एन आई एल से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा इस अप्रूवल के लिए फ़र्दर रिक्वायरमेंट ये है कि रेजोलूशन के अंदर पर्टिकुलर ऑफ द अरेंजमेंट मैंशन हो और रजिस्टर्ड वैल्यूर्स से उसकी वैल्यू भी हासिल की जाए तो इसका आंसर देखते हैं केल कैन नॉट एंटर इन टू सच अरेंजमेंट अनलेस प्रायर अप्रूवल फॉर द नॉन कैश ट्रांजेक्शन इज ऑप्टेंट थ्रू रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग क्योंकि वो केल की होल्डिंग कंपनी में भी इन्वॉल्व है तो अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर ऑफ एन आई एल भी लेना होगा नोटिस फॉर अप्रूवल जो होगा उसमें पर्टिकुलर ऑफ द अरेंजमेंट मैंशन किए जाएंगे और वैल्यू ऑफ एसेट ली जाएगी ड्यूली कैलकुलेटेड बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यू तो ये तीन पॉइंट्स आपने आंसर में मैंशन करना एक और सिमिलर क्वेश्चन है किस्मत लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू एन अरेंजमेंट विद अहमद लेक द सीईओ ऑफ बिजली प्राइवेट लिमिटेड फॉर द परचेज ऑफ अ स्पेशलाइज मशीनरी वर्थ रुपीज टू पॉइंट फाइव मिलियन यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक आर अहमद लेक इज द ब्रदर ऑफ वन ऑफ केल्स डायरेक्टर एंड आल्सो अ डायरेक्टर इन केय्स होल्डिंग कंपनी अच्छा अब इसमें यह देखें कि होल्डिंग कंपनी है फिर के एल है और जो ट्रांज़ेक्शन हो रही है वो के एल और अहमद लई के दरमियान हो रही है अब जो मजीद कनेक्शन है कि अहमद लई जो है वो डायरेक्टर है होल्डिंग कंपनी में और जो के एल का डायरेक्टर है वो अहमद लइ का भाई है अहमद लेख इज़ द ब्रदर ऑफ वन ऑफ केल्स डायरेक्टर एंड आल्सो अ डायरेक्टर इन केल्स होल्डिंग कंपनी तो यहाँ से अब मजीद देखते हैं तो अहमद लेख हैज़ एग्रीड टू टेक ट्वेंटी थाउजेंड शेयर इन के एल इन कंसिडेशन फॉर द पेमेंट ऑफ मशीनरी यानी के एल और अहमद के दरमियान जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो रही है तो यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होंगे कि अहमद लईक को एक प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा के से क्योंकि वो कनेक्टेड पर्सन बन जाता है और होल्डिंग कंपनी से भी अप्रूवल चाहिए होगा क्योंकि वो उसमें डायरेक्टर है और इसके अलावा एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से जो है ना वैल्यूशन के साथ जो रेजोल्यूशन है उसके अंदर पूरे पर्टिकुलर्स ऑफ़ द अरेंजमेंट मेंशन होने चाहिए तो आंसर देखें जनरली तो ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं की जा सकती लेकिन ऐसा अरेंजमेंट किया जा सकता है अगर प्रायर अप्रूवल लिया जाए कंपनी से के की जनरल मीटिंग से क्योंकि अहमद लेक जो है वो के की होल्डिंग कंपनी में भी डायरेक्टर है तो होल्डिंग कंपनी से भी रेजोल्यूशन पास होनी होगी प्लस नोटिस ऑफ अप्रूवल जो है वो दोनों कंपनीज में वो उसमें पर्टिकुलर ऑफ अरेंजमेंट मेंशन किए जाएंगे और वैल्यू ऑफ एसेट ली जाएगी ड्यूली कैलकुलेटेड बाय आ रजिस्टर्ड वैल्यू तो ये पॉइंट्स आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे तो ये आप तीन पॉइंट्स ही डिस्कस कर देते तब भी कन्फर्म था लेकिन यहाँ पर कनेक्टेड वाले बात थी तो एक फोर्थ पॉइंट था प्रीवियस क्वेश्चन में आप नोटिस कर रहे थे थ्री पॉइंट्स डिस्कस किए क्योंकि वहां पे कनेक्टेड वाला पॉइंट नहीं था यहाँ पे कनेक्टेड पर्सन वाला पॉइंट था क्योंकि भाई उसका डायरेक्टर है तो उस एंगल से जो है कनेक्टेड वाले पॉइंट को एक एडिशनल पॉइंट के तौर पे डिस्कस किया गया नेक्स्ट है जी हमारे पास लोन टू डायरेक्टर्स लोन टू डायरेक्टर्स पर भी रिस्ट्रिक्शन है तो जनरली अलाउड नहीं है लोन टू डायरेक्टर्स लेकिन उसके एक सर्टन प्रोसीजर है जिसके साथ अलाउड है द कंपनी इज नॉट अलाउड अनलेस

या कोई और शख्स डायरेक्टर और उसके रिलेटिव को लोन दे रहा हो और कंपनी उस लोन की गारंटी या सिक्योरिटी दे तो ये दोनों चीज़ें पे रिस्ट्रिक्शन है कि रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये काम सिर्फ तब हो सकता है अगर ये अप्रूव्ड बाय मेंबर हो थ्रू रेजोल्यूशन फर्दर लिस्टेड कंपनी के लिए एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि उन्हें एस से भी अप्रूवल लेना होगा अगर एक लिस्टेड कंपनी अपने डायरेक्टर को इस तरह का कोई लोन गारंटी या सिक्योरिटी दे रही है तो एस से भी अप्रूवल लेना ज़रूरी है इसकी एक एक्सेप्शन है फॉर बैंकिंग कंपनी द अबव रिस्ट्रिक्शन डू नॉट अप्लाई टू अ कंपनी विच इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस प्रोवाइड लोन और गिव गारंटीज और सिक्योरिटीज फॉर द ड्यू रीपेमेंट ऑफ एनी लोन तो एक बैंकिंग जो बिजनेस होता है उसका तो काम ही यही होता है कि वो लोन प्रोवाइड करता है और गारंटीज और सिक्योरिटीज के अंदर भी डील कर रहा होता है तो बैंकिंग कंपनी के लिए एक्सेप्शन है कि उनको ऐसे किसी अप्रूवल या रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं होगी दे कैन गिव सच लोन टू हमारे पास एक एग्जांपल है और एग्जांपल्स जो हैं दो तीन हैं द डायरेक्टर्स ऑफ शाह लिमिटेड ऑफर्ड इज प्रेजेंटली वर्किंग एज जनरल मैनेजर ऑपरेशन टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू फिल इन वैकेंसी लास्ट ईयर शम्स ऑप्टेंड अमाउंटिंग टू रूपीजन पॉइंट टू मिलियन अकॉर्डिंग विदनीज इम्प्लायमेंट रूल जैसे इम्प्लाइज को लोन देते हैं उस हिसाब से लिया था आउट ऑफ विच रुपीज पॉइंट एट मिलियन स्टिल आउट स्पैंड अब देखें वैसे तो लोन में कोई मसला नहीं था बट नाउ ही इज बिकमिंग डायरेक्टर तो उस पर डायरेक्टर्स वाले रूल अपलाई हो जाएंगे और डायरेक्ट जो है वो लोन नहीं ले सकता जब तक जनरल मीटिंग का अप्रूवल ना हो और लिस्टेड कंपनी है तो कमीशन का अप्रूवल भी चाहिए होगा शम्स हैज्रीड टू टेक द पोजीन ऑफ डायरेक्टर बट इज नॉट इन पोजिशन टू रिपे द लोन इमीडिएटली तो एक तरीका कार तो ये है कि उसको लोन फॉरन वापस कर दे तब भी मामला हल हो जाएगा लेकिन वो लोन के पैसे नहीं है उसके पास तो डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट विच विल नीड टू कम्प्लाई विद लोन बिकम इमीडिएटली पेबल अनलेस इट इज अप्रूव बाय द रेजोल्यूशन ऑफ जनरल मीटिंग एंड आल्सो अप्रूवल ऑफ कमीशन क्योंकि लिस्टेड कंपनी है अगर लिस्टेड कंपनी ना होती तो कमीशन का अप्रूवल ना चाहिए होता सिर्फ जनरल मीटिंग का अप्रूवल इनफ होता नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल फोर्टी वन आजाद लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैनुफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लाइंसेज मिस्टर मजनू अ डायरेक्टर ऑफ ए एल हैज अप्लाइड फॉर फ्री लोन फ्रॉम द कंपनी टू बी रीपेबल इन फाइव ईयर इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनी दैट डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसिस अंडर विच ए एल में ग्रांट लोन टू मिस्टर मजनू तो वही पॉइंट है कि कंपनी लोन ग्रांट नहीं कर सकती अनलेस इट हैज बिन अप्रूव बाई मेम्बर ऑफ ए एल और ये यहाँ पे सी बड़ा होना चाहिए कमीशन के लिए आल्सो अप्रूवल ऑफ कमीशन क्योंकि कंपनी जो है वो लिस्टेड है एग्जाम्पल फोर्टी टू इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट मिस्टर यासिर हुईड एज अ टेक्निकल डायरेक्टर ऑन द दैट ग्रांट ऑफ एनी लोन टू डायरेक्टर इज प्रोहिबिटेड तो ग्रांट टू लोन जो है वो प्रोहिबिटेड uh, नहीं है रिस्ट्रिक्टेड है उस पे एक uh, पोजिशन है कि अप्रूवल मिल जाए बाई रेजोल्यूशन ऑफ द मेम्बर्स ऑफ कंपनी और क्योंकि टी एस एल जो है क्या वो लिस्टेड कंपनी है यहाँ पे मेंशन तो नहीं है इफ़ टीएसएल इज लिस्टेड कंपनी इफ के साथ आपने मेंशन कर दिया तो प्रायर अप्रूवल फ्रॉम एस सी पी भी ऑप्टेन करना होगा तो जहाँ पर क्लैरिटी ना हो क्वेश्चन में कि कंपनी लिस्टेड है या नहीं तो आप कंडीशनल आंसर कर देंगे जिस तरह यहां पर इसके साथ मेंशन किया गया तो ये एक अप्रोप्रिएट वे है रिस्पॉन्ड करने का इसके बाद हैं जी कुछ प्रोहिबिश प्रोहिबिशंस रिस्ट्रिक्शन से डिफरेंट होती हैं यानी प्रोहिबिशंस का कॉन्सेप्ट ये है कि ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते बाय फॉलोइंग वट प्रोसीजर सो अ कंपनी शेल नॉट कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट और अलाउ यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स एसेट टू एनी पोलिटिकल पार्टी और फॉर एनी पोलिटिकल पर्पज टू एनी इंडिविजुअल और बॉडी तो ना ही एक कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो डोनेशन वगैरह दे सकती है ना ही एक कंपनी जैसे अपनी गाड़ियाँ वगैरह और अपनी बिल्डिंग्स वगैरह पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकती है ये लॉ में प्रोहिबिटेड uh, है क्योंकि शेयर होल्डर्स का पैसा होता है उनके मकसद के लिए यूज होना चाहिए पॉलिटिकल पर्पजेज़ के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए दूसरी प्रोहिबिशन है रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट तो एक कंपनी जो है वो गिफ्ट uh, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती इन एनी फॉर्म यानी कैश की फॉर्म में नॉन कैश की फॉर्म में टू इट्स मेंबर्स इन इट्स मीटिंग के अपने मेंबर्स को वो अगर वो गिफ्ट दे क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा ब्राइबरी की सिचुएशन में आ जाता है कि जी डायरेक्टर्स जो हैं वो इस तरह के गिफ्ट मेंबर्स को देकर जो है थोड़ा सा फेवरेबल रेजोल्यूशन पास करवाना चाह रहे हैं दूसरा इसमें डिविडेंड पे टैक्सेशन के इश्यूज भी राइज़ हो जाते हैं तो लॉ प्रोहिबिट करता है कि मेंबर्स को किसी भी फॉर्म में गिफ्ट नहीं देने हाँ मीटिंग वगैरह के अंदर जो एक रूटीन की वाटर टी इस तरह के जो एक हॉस्पिटैलिटी होती है वो तो फॉलो की जाती है जैसे एनअल जनरल मीटिंग वगैरह होती है इसके अलावा जो गिफ्ट वगैरह देना है वो टोटली totally प्रोहिबिटेड है लॉ के अंदर तो ये दो प्रोहिबिशन भी हैं जिनको आपने जहन में रखना है दैट्स ऑल फॉर हैव अ गुड डे